हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फैमिली प्लानिंग ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव ये सभी देखने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बोला है, फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लानिंग बाय इंडिविजुअल्स और कपल्स टू हैव ओनली द चिल्ड्रन दे वॉन्ट वेन दे वॉन्ट देम। इसका मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग मीन्स इंडिविजुअल या कपल द्वारा बच्चे पैदा करने के लिए बच्चे पैदा करने की योजना बनाना, मतलब प्लानिंग करना जो वे चाहते हैं एंड जब वे चाहते हैं। इसमें जो रहते हैं, प्लानिंग करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए जिसको जिन्हें वो चाहते हैं और जब वो चाहते हैं बच्चे, उस टाइम के लिए ये कपल या फिर इंडिविजुअल मिलके ये प्लानिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। फिर है सेकेंड पॉइंट, फैमिली वेलफेयर इंक्लूड नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ बट द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली बाय मीन्स ऑफ टोटल फैमिली हेल्थ केयर। तो इसमें बोला है फैमिली वेलफेयर ये नॉट ओनली बर्थ मीन्स सिर्फ बर्थ की नहीं, बर्थ की प्लानिंग नहीं करते इसमें, बट पूरे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के माध्यम से पूरे फैमिली की हेल्थ को भी देखा जाता है। इसमें सिर्फ बर्थ को नहीं देख बर्थ की प्लानिंग नहीं होती, बट उसके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के माध्यम से पूरे फैमिली की हेल्थ को भी देखा जाता है। फिर उसका थर्ड पॉइंट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ हाई प्रायोरिटी इन इंडिया बिकॉज इट्स सक्सेस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ऑल सिटीजन। तो इसमें बोला गया है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंडिया में हाई प्रायोरिटी दी जाती है। हाई प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? बिकॉज इट्स सक्सेस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब क्योंकि इसकी सफलता जो है, सक्सेस जो है, सभी नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब सभी जो सिटीजन है, ऑल सिटीजन, उनकी लाइफ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इंडिया में हाई प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद देखेंगे फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन। तो उसके डेफिनेशन में बोला गया है, फैमिली प्लानिंग टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो इसमें क्या बोला गया है कि फैमिली प्लानिंग मतलब क्या है, रेगुलेट द नंबर, मतलब कितने बच्चे चाहिए वो नंबर रेगुलेट करना, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो जो एक बच्चा हुआ है तो एक और दूसरे बच्चे के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, फैमिली में बच्चे के अंदर कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो डिसाइड करना। थ्रू ये डिसाइड बच्चे कितने चाहिए और स्पेसिंग कितनी चाहिए, ये किसके थ्रू करेंगे? थ्रू प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन जो निरोध रहता है उसकी प्रैक्टिस से, उसके यूज़ करके, या फिर अदर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, या फिर जो बर्थ कंट्रोल के अदर मेथड है उसको यूज़ करके ये सभी करते हैं। तो बहुत से लोग जो है फैमिली प्लानिंग का मतलब समझते हैं कि फैमिली कंप्लीट हो गई, अभी बच्चे नहीं चाहिए ऐसे, तो वैसा नहीं रहता। उसमें ये रहता है कि मतलब फैमिली प्लानिंग में फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कितने बच्चे चाहिए और एक बच्चा होता है दूसरे में कितनी स्पेसिंग चाहिए, और उसको मतलब उसको जो रहता है अच्छे से करने के लिए किसके कॉन्ट्रासेप्टिव जो निरोध रहता है उसका यूज करते हैं या फिर अदर बर्थ कंट्रोल्स का यूज करते हैं। उसके सेकेंड भी डेफिनेशन दी है, तो उसमें लिखा है फैमिली प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड द नंबर एंड थिंग ऑफ चिल्ड्रन टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। तो इसमें बोला है फैमिली प्लानिंग मीन्स क्या होता है, टू डिसाइड द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब नंबर चिल्ड्रन का जो रहता है नंबर कितने होने चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, दो होने चाहिए, तीन होने चाहिए, वो डिसाइड करना, एंड कब होने चाहिए उनका टाइमिंग, मतलब एक अभी हुआ तो नेक्स्ट ईयर ही होना चाहिए, तीन साल बाद होना चाहिए या फिर पाँच साल बाद होना चाहिए, ये टाइमिंग डिसाइड करना चिल्ड्रन का फैमिली में, उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। तो अभी देखेंगे इसके बाद फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स।
तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले क्या बोला है, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। तो फैमिली प्लानिंग करने से क्या होता है, जो बर्थ नहीं चाहिए, अपने को बर्थ नहीं चाहिए, उसको अवॉइड कर सकते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनका यूज करके। फिर है सेकेंड, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जो बर्थ चाहिए। अभी एक बेबी हुआ, बीच में कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया, और जब बर्थ चाहिए तो उनका यूज नहीं करके अपन बेबी जो रहता है कंसीव कर सकते हैं, बेबी ब्रिंग कर सकते हैं। फिर है थर्ड, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज। तीसरे में क्या बोला है, जो रेगुलेट करना इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, जो रहता है एक बेबी हुआ तो दूसरे बेबी के बीच में स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए जो रहता है इसका यूज होता है, एक बेनिफिट्स होता है कि दोनों बच्चे के बीच में इंटरवल जो रहता है स्पेसिंग रेगुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर है फोर्थ, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ टू ऑकर इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट। तो इसमें बोला है हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कौन सी एज में बच्चा करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर मदर फादर दोनों भी विलिंग है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। मतलब इसमें हम डिसाइड या फिर जब बच्चा चाहिए तब या फिर नहीं चाहिए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव रहते हैं उसका यूज़ करके एंड फैमिली प्लानिंग करके। फिर है फिफ्थ, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो इसमें बोला गया है कि डिटरमाइन करना नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब फैमिली में कितने बच्चे चाहिए उसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग करके एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके। इसके बाद हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में। तो इसमें इसके दो मेथड्स है, फर्स्ट है टेम्पररी, फिर सेकेंड है परमानेंट। तो टेम्पररी मेथड के फोर टाइप है, फर्स्ट है बैरियर, सेकेंड है नेचुरल, थर्ड है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड फोर्थ है स्टेराइड कॉन्ट्रासेप्शन। एंड परमानेंट मेथड्स के टू टाइप है, पहला है फीमेल स्टरलाइजेशन मतलब ट्यूबेक्टोमी एंड मेल स्टरलाइजेशन मतलब वैसेक्टोमी। तो इसके जो टाइप है ये भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले टेम्पररी मेथड के बारे में जानेंगे। टेम्पररी ये मेथड बर्थ को पोस्टपोन या फिर बर्थ के बीच में स्पेस देने के लिए यूज करते हैं, और ये टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है। उसके बाद है उसका पहला टाइप मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में कौन से बैरियर मेथड आते हैं, तो मैकेनिकल में है सबसे पहले मेल, इसमें कॉन्डम आता है मेल कॉन्डम, एंड फीमेल इसमें फीमेल कॉन्डम आता है। उसके बाद डायफ्राम और सर्वाइकल कैप ये आता है, इसका यूज कर इसका यूज करते हैं मैकेनिकल बैरियर मेथड के मैकेनिकल मेथड के अंदर। फिर है सेकेंड केमिकल। तो केमिकल के अंदर इसमें जो रहता है ये वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो इसमें क्रीम आती है, डेल्फिन नाम की क्रीम आती है, और ये सेकेंड जेली आती है। उसके बाद है फोम टैबलेट भी इसमें आते हैं, तो इसका यूज करते हैं केमिकल मेथड्स के अंदर। एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन यूज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड। तो कॉम्बिनेशन में जो मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड का यूज करके जो मेथड बनते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। तो बैरियर मेथड में ये तीन टाइप आते हैं जिसका यूज करते हैं। तो ये जो रहता है मतलब जो टेम्पररी मेथड अभी यूज कर रहे तो उसकी क्वालिटी एक ऐसी रहती है कि वो महंगी नहीं रहनी चाहिए, चीप रहनी चाहिए अगर खरीदने जाए तो। सेकंड है सेफ़ रहनी चाहिए,
इजी टू यूज़ रहनी चाहिए एंड इजी टू अवेलेबल रहनी चाहिए। उसके बाद जो है उसके फ्री फॉर्म साइड इफ़ेक्ट भी रहनी चाहिए, तो ऐसी इनकी क्वालिटी रहनी चाहिए। फिर है सेकंड देखेंगे टाइप, सेकंड है नेचुरल। तो नेचुरल मेथड के अंदर रिदम मेथड आता है, कोइटस इंटरप्टस मेथड आता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग मेथड आता है। तो रिदम मेथड के अंदर मतलब उसमें जो रहता है जो सेफ पीरियड रहता है उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। मतलब अभी एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे, तो इसमें देखेंगे जो ये जो है फर्स्ट टू फाइव डेज ये मेंस्ट्रुएशन के हैं। तो फर्स्ट डे अगर मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग डे है तो ओव्यूलेशन का डे जो रहता है वो रहता है 14। तो जो 14 डे है इसके स्टार्टिंग के कुछ दिन एंड उसके बाद के कुछ दिन ये वाला टाइम पे ओव्यूलेशन हो सकता है। तो ये टाइम छोड़ के इधर बाकी के टाइम में जो रहता है तो जो रहते हैं लोग वो सेक्सुअली इंटर जो कॉन्टैक्ट रहते हैं वो बना सकते हैं। ये जो रहता है सेफ पीरियड रहता है जो ओव्यूलेशन के स्टार्टिंग के कुछ दिन एंड बाद के कुछ दिन, ये दिन छोड़ के बाकी दिन सेक्सुअली कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, इसको बोलते हैं रिदम मेथड। एंड ये एक सेफ पीरियड रहता है एंड ये नेचुरल मेथड है। उसके बाद है कोइटस इंटरप्टस। तो कोइटस इंटरप्टस ये जो रहता है ये भी एक नेचुरल मेथड है। तो इसमें जो रहता है जब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे जब इजैकुएशन मतलब स्पर्म निकलने वाला रहता है एंड वजाने में जाने वाला रहता है, उस टाइम पे मेल को पेनिस बाहर निकाल के जो रहता है स्पर्म बाहर निकालने को बोलते हैं, वो है कोइटस इंटरप्टस मेथड। उसके बाद है थर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो है ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर जो रहती है लैक्टेशन पीरियड में रहती है ब्रेस्ट फीडिंग करती रहती है, तो उस टाइम पे जो वो एक नेचुरली अपने आप कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। तो उसके बाद है थर्ड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसमें जो है दो टाइप है, नॉन मेडिकल एंड नॉन मेडिकेटेड एंड सेकेंड है मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड मीन्स जिसमें मेडिकेशन का यूज नहीं होता है वो है नॉन मेडिकेटेड, उसको फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं एंड उसमें लिपस लूप ये डिवाइस आता है। तो उसके बाद है मेडिकेटेड जिसमें मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है एंड उसमें उसके भी दो टाइप है, वो है सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में आता है एग्जांपल कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो इसमें जो आईयूडी रहती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो इसमें जो रहता है कॉपर का कॉपर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है एंड कॉपर जो रहता है वो फर्टिलाइजेशन जो रहता है होने के लिए रोकता है, रोकने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ये इसका वैसे यूज़ होता है। तो इसमें उसके भी टाइप है कॉपर आईयूडी के, तो कॉपर टी 200, कॉपर टी 280 ए, मल्टी लोड 250, मल्टी लोड 375। तो जो कॉपर टी में जितना ज़्यादा कॉपर रहता है उतना वो लॉन्ग टाइम तक चलती है और जितना कम कॉपर रहता है वो कम टाइम के लिए रहता है। इसलिए कुछ जो 200 वाले वो 3 ईयर के लिए चलेंगी, जो 280 वाले वो 10 ईयर के लिए चलती है। तो वो कॉपर पे डिपेंड करता है वो कितने ईयर चलेंगी। उसके बाद है थर्ड जनरेशन, तो इसमें आता है हार्मोनल आईयूडीज। तो हार्मोनल आईयूडीज में एलएनजी आईयूडीज आता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, लिवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन सिस्टम। तो इसमें जो रहता है इसको मेरेना भी बोलते हैं एंड इसमें जो रहता है ये जो रहता है हार्मोन रिलीज करता है। तो इसमें जो रहता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करके कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। तो इसका एक्शन कैसा रहता है, ये जो रहता है एंडोमेट्रियम में ये केमिकल रिलीज करता है, उससे यूटेरस जो रहता है नॉन रिसेप्टिव होता है एंड फर्टिलाइजेशन अगर हुआ भी है तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देता। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वो है स्टरलाइजेशन कॉन्ट्रासेप्शन। तो उसमें भी तीन टाइप आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, फिर है पेरेंटरल जिसमें आते हैं इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट एंड थर्ड है डिवाइस। तो उसके अंदर वजाइनल रिंग, उसके बाद है ट्रांसडर्मल पैचेस,
और IUDs ऐसे आते हैं। तो अभी ये देखेंगे, तो सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें मालाइन ओवरऑल ऐसे आते हैं, तो ये जो रहते हैं वो 21 डेज के वो पिल्स रहते हैं एंड 7 डेज आयरन के टैबलेट दिए जाते हैं जिसमें इंस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रहता है, उसके वजह से भी जो रहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का वो काम करता है, जो हार्मोन रहते हैं उसमें वो बैलेंस करते हैं और एंडोमेट्रियम की लेयर को शेड नहीं होने देते। उसके बाद देखेंगे पेरेंटरल में इंजेक्टेबल, तो इंजेक्टेबल में डिपो-प्रोवेरा जो इंजेक्शन आती है 3 मंथ के लिए ये लेते हैं। उसके बाद इम्प्लांट में, तो ये जो इसमें जो रहता है स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जो वो बार बार हार्मोन जो रहता है फिर रिलीज करता है, उसके वजह से भी कंसीव नहीं होता। उसके बाद है डिवाइस, तो जो हमने देखे थे IUD, वजाइनल रिंग और ट्रांसडर्मल पैचेस, ये सभी भी हार्मोन रहते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन रिलीज करते हैं। उसके बाद है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में फीमेल स्टरलाइजेशन है, ट्यूबेक्टोमी, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको लाइगेट करके कट किया जाता है। उसके बाद है मेल स्टरलाइजेशन, इसमें भी मेल स्टरलाइजेशन में वैसेक्टोमी ऐसा किया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो रही है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में परमानेंट मेथड के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे एंड रोल ऑफ नर्स इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये सभी देखेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर